देखिए कल जो आप लोगों को क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया है, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% क्या है, 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करा, पहले 25% कम कर दिया गया, 25% कम कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। क्या है, 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है। जब यह है तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा, 25 × 25/100, यह हो जाएगा क्या 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, ये तो 25 25 ये तो खत्म हो गया। ठीक है, इधर बचा माइनस 25 × 25 करिएगा तो कितना होता है 625/100 प्रतिशत बराबर। इसको करिएगा, नीचे में दो गो सुना है तो दो के बाद क्या आ जाएगा दशमलव, यानी कि -6.25%। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, जब माइनस आता है तो क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है, आंसर में नहीं माइनस प्लस दर्शा रहेगा, जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन है ना ABCD, ठीक है, इसमें कहीं भी माइनस प्लस दर्शाया गया है, इसी से हमको पकड़ना है कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, माइनस नहीं लिखाएगा, 6.25% की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया है। ठीक है, आज जो देखिए आज चलेंगे दूसरे टाइप की ओर। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप का है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना, कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी मान लीजिए 1% लाया परीक्षा में, ठीक है, 1% लाया और वह जो है कुछ नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई परीक्षा में वो 1% अंक लाया और जो है वाई अंक से फेल हो गया। ठीक है, वाई अंक से क्या हो गया, यानी फेल हो गया। अगर वह वाई अंक ले आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हमको पास जितना हम क्या है नंबर लाए हम फेल हो गए, अगर हम इसको हम जोड़ देते हैं क्या होगा, पास हो जाएंगे, यानी कि 1% प्लस कितना वाई अंक, तो ये हमको क्या हो गया, ये पास हो गए। क्या हो गए, पास हो गए। वही आधारित पर यह है क्या है? ये सवाल है। ठीक है, हम इसको देखिए बनाएंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करता है, यानी कि जब 36% ले आता है कोई विद्यार्थी तो क्या होता है, वो पास हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, पास हो जाता है। तब कहता है कि एक छात्र को 113 अंक मिले, कितना मिले, एक छात्र को 113 अंक मिले लेकिन वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। ठीक ना, यानी को फेल हो गया, तो कुछ पूर्णांक कितने थे। ठीक है, यानी कि उसको परीक्षा में अगर 36% अंक ले आता है तो पास हो जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी ने क्या किया, 113 अंक प्राप्त किया लेकिन फिर भी वो 85 अंकों से फेल हो गया। अगर 85 अंक और ले आता है क्या, तो वो पास हो जाता है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे, पास बराबर पास, हमको दोनों साइड हमको क्या करना है, पास करना है। तो अगर 36% अगर कोई विद्यार्थी लाता हो तो क्या होता है, पास हो जाता है। लेकिन वह एक विद्यार्थी ने 113 अंक लाया, कितना लाया, 113 अंक लाया और 85 अंक कम लाया पास होने से, हम इसमें क्या करेंगे, 85 हम जोड़ देंगे, देखिए पास हो गया ना।
पास होने के लिए 85 अंक ही कम था ना, अगर 85 अंक इसमें ऐड हो गया क्या हो गया, दोनों पास हो गया। ठीक है, अब देखिए तब कह रहा है क्या कि परीक्षा कितने अंकों का हुआ था टोटल, क्या कह रहा है परीक्षा टोटल कितने अंकों का हुआ था, कितने पूर्णांक था परीक्षा का। ठीक है, तो 36% बराबर इसको हम करेंगे जोड़ेंगे तो 5 3 8 ये हो जाएगा 8 1 9 ये हो जाएगा कितना 198 हो गया। अब देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, कितना भी मार्क्स होगा वो क्या होगा 100% के बराबर ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 198/36 × 100। तो अब देखिए इसको कटाइए 6 से 6 6 36, 6 से 6 18 और फिर इधर हुआ 6 3 18। ठीक है, इसको फिर 2 से कटाइए तो 3 से कटाइए 3 2 6 11 33 आई 2 से कटाइए कितना हो गया 50। हमारा 100% बराबर कितना कितना बच गया है 11 × 50 बराबर क्या 11 5 55। तो परीक्षा का टोटल अंक कितना था 550 था। ठीक है, यही क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि उस परीक्षा में टोटल अंक का परीक्षा कितना का हुआ था तो 550 का हुआ था। ठीक है, इसमें इसमें एक और स्टेप करके पूछ सकता है, एक स्टेप और पूछ सकता है। ठीक है, कि इसका पास कितने नंबर लाने से वो पास हो जाता है, यहाँ तो जोड़ दिए हैं तो वो निकल ही जाता है। ठीक है, अगर अथिस भी करते हैं जैसे 550 का 36% में क्या हो रहा है पास हो रहा है, तो 36 ये 550 का 36% 100 खत्म। ये देखिए 2 से काटिए 5 और 2 से काटिए कितना 18 इधर 11 5 55। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये दोनों गुना करेंगे तो 18 18 8 9 198। देखिए 198 आ गया ना, 198 दोनों जोड़ के आ गया ना, इधर भी मेरा 198 और इधर भी हम निकाले प्रतिशत से भी हम निकाले क्या 198 आ गया। ठीक है, ऐसा इसलिए बताया क्योंकि आगे तो टाइप बताएंगे ना, तो उसमें क्या करेगा ना कि पास का प्रतिशत पूछेगा कि कितने प्रतिशत में वो पास होगा, तो हमको ये निकालना पड़ेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये यहाँ तो दे दिया नहीं, इधर भी प्रतिशत रहेगा इधर भी प्रतिशत रहेगा, वहाँ पर पूछेगा कि उसका पास का प्रतिशत क्या है, इसीलिए ये बोला अभी हम निकाल के हम बता दिए क्योंकि आगे सवाल में वो आएगा। ठीक है, अभी तो हमारा आंसर कितना हो गया टोटल पूर्णांक 550 हो गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन देते हैं एक और, उसके बाद चलेंगे दूसरे टाइप की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 20 अंकों से ध्यान दीजिएगा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया, तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। सेम क्वेश्चन है, उसमें भी कुल पूर्णांक मांग रहा था, इसमें भी अधिकतम अंक क्या था, कितने अंकों का क्या है परीक्षा हुआ था। ठीक है, दोनों क्या है, जो पहले क्वेश्चन बताया और ये क्वेश्चन बताया दोनों क्या है क्वेश्चन सेम है। ठीक है, देखिए हम इसमें भी करेंगे वही पास बराबर पास, हमको क्या है दोनों साइड हमको क्या है पास बनाना है, दोनों को क्या करना है इक्वल करना है बराबर करना है। अब देखिए कह रहा 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है, अगर हम 40% अगर हम ठीक है 40% अगर हम क्या है ले आते हैं तो हम क्या होते हैं पास हो जाते हैं, लेकिन वो क्या किया ना 220 अंक लाया लेकिन वो 20 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब जो है ना अगर 20 अंक और ले आता तो क्या होता पास हो जाता, तो हम इसमें क्या करें 20 अंक जोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए 40% बराबर इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0 2 2 4 2। ठीक है, अब देखिए 100% बराबर 240/40 × 100 100 ना 100 खत्म 6 6
24, तो 100% बराबर हमारा कितना टोटल पूर्णांक निकल गया 600। तो वो परीक्षा जो हुआ था, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था 600 का एग्जाम हुआ था, जिसमें कि अगर वो 40% लाता तो पास हो जाता, नहीं तो अंक में अगर 220 लाया और 20 अंक से क्या हो गया, वो क्या हो गया अनुतीर्ण हो गया था। हम क्या किए, 20 अंक जोड़ दिए, तो इधर ये भी बराबर हो गया और ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन देखिए सेम है थोड़ा सा, इसमें जो पहले बार हम समझाए थे कि 5% का मांग सकता है वही यह क्वेश्चन में मांग रहा है, बनेगा सेम तरीका से। ठीक है, कह रहा है किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से क्या हो गया फेल हो जाता है, 25 अंक से क्या हो जाता है फेल हो जाता है। उसके बाद कहता उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक ले आया, जितना वो पास होना चाहिए वो क्या किया दूसरा विद्यार्थी या दूसरा प्रत्याशी, वो 25 अंक ज़्यादा ले आया। अगर ज़्यादा ले उसमें हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, जो ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पर भी करेंगे वही, पास बराबर पास। ठीक है, देखिए पहला विद्यार्थी क्या है 30% लाया अंक, 30% और 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 25 अंक से फेल हो जाता तो हम 25 इसमें हम जोड़ देंगे तो ये पास हो गया, 25 अंक कम था 25 अंक हमने उसमें जोड़ दिए क्या हो गया पास हो गया। अब कह रहा है दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक लाया, क्या किया 40% अंक लाया और वो पास होने से 25 अंक क्या है ज़्यादा ले आया, ज़्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे 25 अंक क्या करेंगे घटा देंगे, कम था जोड़ दिया और ज़्यादा था क्या किए घटा दिए, क्योंकि हमको इक्वल करना है, इसका भी मान सेम होना चाहिए, इसका भी मान सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों का मान सेम होना चाहिए। अब देखिए क्या करें, ये प्रतिशत को ये 30% है इधर 40%, तो इसको हम वो साइड ले जाते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 40% देखिए 40% वाला हम काम करते हैं माइनस 30% अब बराबर 25। ठीक है, आई प्लस इसको उधर ले जाते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है इसको क्या करें जैसे है उसे लिखिए। ठीक है, और बढ़िया रहेगा, नहीं एक मत तो यही था यही नीचे सामने में उतर गया, तो प्लस के जो था माइनस हो गया प्लस, इसको क्या करिए इसको लिखिए 30%, इसको इधर लाइए। अब ठीक है, इसको इधर बोले तो इधर आ गया, यानी कि 40% माइनस 25। ठीक है, अब ये प्लस उधर क्या गया तो माइनस होगा, अब तो ठीक है 25, अब इसको हम घटाएंगे तो माइनस 10% आएगा, इसको माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह कौन चीन माइनस का रहेगा, 25 क्या हो गया 50, ये क्या हो गया ये कट गया ये। तो अब यहाँ पर देखिए 100% बराबर क्या हो जाएगा 50, 100% बराबर 50/10 अगुना 100, एक सुना खत्म, बराबर कितना हो जाएगा 500। ये टोटल अंक कितना था 500, हमारा क्या निकल गया 500 टोटल अंक हमको कितना निकल गया, टोटल परीक्षा का अंक कितना का परीक्षा हुआ था 500 का हुआ था। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि प्राप्त किए तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत कितना है, हम कितना प्रतिशत अंक लाएंगे ताकि हम क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रतिशत में तो है लेकिन 25% यहाँ कम ले आया, यहाँ भी प्रतिशत है तो यहाँ पर क्या है कि 25 अंक ज़्यादा ले आया, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तब देखिए पहले तो पास मार्क निकालिए, तो पास या तो इस पर बनाइए या तो इस पर बनाइए, कोई पर बनाइए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले पर देखिए बनाते हैं, ये तो 500 पर ही निकलेगा ना पास मार्क, क्या होगा पास मार्क निकालने के लिए, पास
मार्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 500 का कितना है 30%, 30% अब प्लस 25, अब देखिए क्या हो जाएगा 500 और गुना 30/100% हो जाएगा 100 और प्लस कितना आ जाएगा 25। अब देखिए ये 200 खत्म हो गया, 5 × 15 150 और प्लस 25 यानी क्या हो जाएगा 150 + 25। तो हमको पास मार्क कितना निकल गया, इसको करेंगे तो 5 × 2 = 175। अगर 175 अगर हम अंक ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन 75 अंक हमको नहीं पूछ रहा है, मतलब अंक में नहीं पूछ रहा है कि कितना अंक लाएंगे क्योंकि हम पास हो जाएंगे, हमको पूछ रहा है 100%। अब देखिए 500 में कितना अंक लाया पास होने के लिए, 175। तो पास प्रतिशत निकालने के लिए 175 लाया कितना में, तो 500 में, कितना में लाया 500, प्रतिशत मिलाने के लिए 100% से गुना, ये 200 खत्म, ये 5 से काटिए, ठीक है। तो 5 × 15 = 25 बराबर कितना हो गया, यानी 35%। अगर वो 35% अंक ले आता है तो क्या होता है, पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ये क्वेश्चन देखिए फिर से समझिए, ठीक है। कह रहा है किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 331% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया कम था तो हम क्या कि जोड़ दिए, पास हो गया ये भी। फिर कहता है दूसरा जो है 40% अंक लाया और 25 अंक अधिक ले आया, जो अधिक था उसको हम क्या गया घटा दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, दोनों हम इक्वल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मान कितना निकल गया, यानी कि टोटल पूर्णांक हमारा 500 निकल गया, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक हमारा 500 निकल गया, तो हमको पास मार्क निकालना, क्योंकि पास का प्रतिशत पूछ रहे हैं, हम पास मार्क निकालेंगे तो हमें कितना पास हो रहा है। तो टोटल देखिए कितना था 500, तो 500 का 30% यही है ना, 500 का 30% प्लस 25, तो हमारा ये सब किए तो कितना 175 निकला। अब पास प्रतिशत निकालने के लिए तो 175 आया कितना में, 500 में, क्योंकि पहले बता दिए हैं जिस पर निकालना उसको नीचे, जिसका निकालना उसका ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 35%, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए हम अगर हम इस पर भी लेके हम बनाएंगे तो मेरा क्या उतने 35% आएगा, ये नहीं कि बड़ा अथी आ जाएगा, ठीक है। देखिए नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जो है इसको मिटा करके हम इस पर भी बनाते हैं, उस पर भी कि मेरा क्या आएगा 35% आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, हम इस पर बनाएं या उस पर बनाएं मेरा बात बराबर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर भी हम बना के दिखाते हैं, देखिए टोटल कितना 500 है, तो क्या हो जाएगा 500 का 40% - 25। अब देखिए 500 × 40/100 - 25, ये 200 खत्म हो गया, 5 × 4 क्या हो जाएगा 5 × 4 = 20, यानी कि 200 - कितना निकल गया 25। तो मेरा 175 आ गया, 175 आया, पहले भी मेरा क्या था 75 ही था, तो पास प्रतिशत निकाल सकते हैं यहाँ से भी, पास प्रतिशत क्या आ जाएगा 175 आया कितना में 500 में, प्रतिशत में 100% से गुना। अब देखिए 200 खत्म, 5 × 15 और 2 × 5 = 25, मेरा निकल गया 35%, दोनों का सेम निकल गया ना, सेम तो हमको यहीं पर पता चल गया 175 निकल गया था, या तो इधर निकालिए या तो इधर निकालिए, दोनों पर, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, दोनों बराबर है, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, एक और देते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम है, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन को बनाए इससे पहले वाला क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन चन के तरह ही ये भी बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। देखिए कह रहा एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है, परंतु अनप्रत्याशी इसको भी विद्यार्थी कर दीजिए, दोनों सेम रहेगा, ठीक है।
फेल हो जाता है, परंतु अन्य अन्य विद्यार्थी यानी कि दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत होता है। देखिए सेम है, कुछ भी नहीं है। अगर वो सवाल समझ गए इससे पहले वाले, तो ये सवाल भी कुछ भी नहीं है। अगर वो अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी रह गया तो इसमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्योंकि सेम सवाल है, कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए पास बराबर पास, देखिए जितना भी सब सवाल है सब में हम क्या कर रहे हैं, पास बराबर पास ही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एक विद्यार्थी ने परीक्षा में कितना 20% अंक प्राप्त करता है, 20% और 30 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। हम इसको क्या करेंगे, 30 अंक जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो गया, ये पास हो गया। 30 अंक कम था, 30 अंक हम जोड़ दिए तो पास हो गया। अब कह रहा है कि 32% अंक क्या, 32% अंक प्राप्त करके पास होने के अंकों से 42 अंक अधिक आ जाता है। अधिक है, चलो घटा दो, अधिक है इसको निकाल के बाहर कर दो, ठीक है 42। अब देखिए इसको इधर ले आइए और प्रतिशत तलक इधर लाइए, 20% - 32% = -42, ठीक है इधर आएगा फिर -30, इधर प्लस में आएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 20 में 32 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12, बराबर चिन्ह रहता है माइनस, अब बराबर ये दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4 3 7 क्या हो गया 72, माइनस 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 खत्म। अब देखिए 100% बराबर हम आएगा लिखेंगे कितना 72/12 × 100 तो 72, इसलिए 100% बराबर कितना निकल गया 600। ये मेरा क्या है टोटल अंक है परीक्षा का, यानी कि 600 अंक का क्या है एग्जाम हुआ था, ये मेरा अभी आंसर नहीं है, ये 600 अंक हमको निकल गया कि कितने अंकों की टोटल परीक्षा हुआ था, तो 600 अंकों की क्या ये परीक्षा हुआ था 600 अंक का, ये मेरा निकल गया टोटल। अब हमको पूछ रहा है तो पास कितने प्रतिशत में हम पास होंगे, पहले हम पास निकालेंगे, पास मार्किंग, ठीक है पास मार्किंग लिया तो इस पर निकालिए या तो इस पर निकालिए, किसी पर निकालिएगा उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो पास मार्क हम निकालते हैं, पास मार्क क्या जाएगा मेरा टोटल कितना है 600, 600 का 20% अब प्लस 30, इससे हमारा पास मार्क निकल जाएगा। अब देखिए 600 × 20/100 + 30, अब देखिए ये दो सुना खत्म क्या हो जाएगा 6 × 12 = 120 + 30 बराबर कितना 150, हमारा पास अंक कितना निकल गया 150 अंक। तो हमको क्या पूछ रहा है पास प्रतिशत, क्या पूछ रहा है पास प्रतिशत, 150 अंक लाया कितना में 600 में। अब प्रतिशत में लाने के लिए 100% से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब देखिए ये दो सुना खत्म हो गया। अब देखिए 25×6 = 150 होता है, नहीं तो काटिए आराम से, आराम से काटिए, अगर नहीं भी जान रहे हैं तो आराम से काटिए, इसको काटिए कितना से 3 से, तो 3 × 2 = 6 इधर क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 5 × 15, ठीक है 5 × 15। अब इधर क्या हो जाएगा फिर 2 से काटिए कितना हो गया 15 × 30, ठीक है कहीं गलती हो गया क्या, देखिए इसको काटिए ये दूसरा खत्म हो गया, ठीक है इसको काटिए 2 से काटिए क्या हो जाएगा 3 से काट दिए 3 × 2 = 6 इधर हो जाएगा 5 × 15, यह हो जाएगा कितना 25 × 50, हम बोलिए कितने पहले 25×6 = 150, ठीक है तो मेरा कितना निकल गया पास प्रतिशत बराबर
कितना 25%। अगर हम 25% ले आते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, 25%। ठीक है, तो ये टाइप का सवाल ठीक है ख़त्म हो गया। अब कल बताएंगे दूसरा टाइप का, इसको अब क्या है रिवीजन करते जाए, हम क्या बोले नोट्स बनाते चले, जितना हम सवाल बताते हैं सबको एक कॉपी में नोट करते जाइए। जब प्रतिशत खत्म हो जाएगा तब देखिएगा, तब किताब बनाइएगा कि कौन कैसा कैसा सवाल किताब में मिलता है, चाहे कोनो किताब को उठाइए। ठीक है, और उसके बाद ये सब जो जितना भी क्वेश्चन बताए सब परीक्षा में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, सब में ये क्या ये सब का टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आज तक कितने रहने दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइबर करिए। ठीक है, ठीक है, इतने तक आज रहने दीजिए।